You know, McGrath, Shane Warne, we always respected. We always made sure but we were so stubborn. We always thought we were the best one. And we actually, it was the case. Or batsman, you told me that Rahul Dravid. Oh, nightmare. Very difficult. Huh? Nightmare, yeah. Ball grow, 96. Aaj birthday is Rahul Dravid. Thak. Hey, thak. Bouncer, thak, thak, thak. ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਬਤਾ ਸਚਿਨ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜੁੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ 96 98 ਮਾਈਲ ਰਾਹ ਇਹ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਸਮ ਪੇ ਗੌਰਵ 96 ਪੇ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਬ੍ਰੈਟਲੀ ਕਿ ਦੋ 96 ਪੇ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਸਲੇ ਮੇਰੇ ਇਧਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਵਾਓ ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਏਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰਾ ਮੇ ਵਸੀਮ ਵਕਾਰ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਸਕਲੈਨ ਸ਼ੇਨ ਵਾਨ ਮੈਗਰਾ ਨਾਮ ਲੋ ਆਪ ਉਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਰਨਸ एलन डोनाल्ड करो ना पांच फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका की एक टीम करेक्ट करेक्ट क्लोजर है कैलस है वो सारे 90 प्लस माइल्स बॉलिंग कर रहे हैं हां जी अब कर लो 90 प्लस सही बात है उसमें बॉलर खतरनाक पॉइंट पे थे जान बचाने पड़ते हैं बैट्समैन का एरा चल रहा है ना कहते हैं लोग 10 बॉलर मुझसे तेज ट्रायल में बॉलिंग कर रहे हैं रियली खुदा की कसम कोई असलम गालिया है कबीर खान है भट्टी है एक यासर है एक वो है एक वो है मैं कही अल्लाह मैं किधर फंस गया हूँ इस मुल्क में ऊपर देखो वसीम बका रहे हैं तो आप कहाँ जाएं ट्रायलों में जगह बनाने के लिए तुम्हें 100 माइल्स के आसपास बॉलिंग करनी पड़ती थी और अब मैचेस में करने के लिए 140 वाला कोई नहीं है सही बात इंस्पिरेशन मेरी जान हीरोज ख़त्म हुए फॉलोइंग गई क्रिकेट गई It's sad. It's really sad. और हमसे काम लेते नहीं हो यार बट ठीक है अगर मैं इस मुल्क में आया इंडिया में आया हूँ 3-4 साल लगाए तो मैं कुछ देख ही जाऊँगा वापस मैं देख ही जाऊँगा मैं पागल बना के नहीं जाऊँगा दूसरे दौरान इंडिया बहुत अच्छा इंडिया नहीं नहीं कुछ वापस करके जाऊँ और अगर मैंने 25 साल लगाए होते ना तो मैं फिर बताता मैं जनरेशन तैयार करता मैं उनका खाना चेंज करता उनका वे ऑफ लिविंग चेंज करता हूँ बैठने का स्टाइल चेंज करता भागने का स्टाइल हाँ आके लोड करो जी साइडवेज जाओ जी ये कोई बॉलिंग है वो धाका वास्ता है यार वो बॉलिंग करने दे उसको तू तेज बॉलिंग कर वो उस कॉरिडोर में क्या करना वो सिखा कोई ड्रेसिंग रूम की मेरे को ना एक अगेन क्योंकि मैंने सारी जो पाकिस्तान की कहानियाँ सुनी है या तो विक्की भाई से सुनी है या वजीम भाई से सुनी है मोस्ट फनीएस्ट ड्रेसिंग रूम दैट आई एवर केम अक्रॉस सब अपनी धुन में सब अपने और प्लेयर बड़े बड़े और मजाक करने का शौक और पंजाब में वैसे मजाक करने का शौक खाने का शौक वो बारिश हो गई है फास्ट बॉलर्स है ना सारे बैठे हुए तो 3-3 किलो मछली खा गया मछली खा गया अभी मैच नहीं हो रहा जी चलो वसीम भाई इज द फनीएस्ट इंजमाम इंजमाम किसका नाम लू यार सारे इंजमाम भाई इंजमाम वाला रन आउट करवा भाई ने मतलब अब गेम अक्रॉस एंड दिस इज नॉट कई लोग होते हैं ना जो प्रैक्टिकल जोक वगैरह करते हैं ये नहीं ये नेचुरली फनी नेचुरल फनी नेचुरल फनी अब वसीम भाई से बैठ जाओ हसासा पागल कर देंगे आई मीन यू सेट विद मी एंड वी ऑल लाइक टू हैव फन आई थिंक वी आर वेरी फन लविंग नेशन इन टर्म्स ऑफ दैट ये तो अच्छा है ना क्योंकि माहौल भी अच्छा बना रहता है ना हाई प्रेशर में तो लड़ाई भी उतनी होती खुशी खुशी कोई भी सेंसिटिव आदमी पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में सर्वाइव नहीं कर सकता बस तुम छोड़ दो अगर तुम्हारा चाइल्डहुड ठीक नहीं है ना तो तेरे चाइल्डहुड की खैर नहीं तेरे बचपने की खैर नहीं फिर बिकॉज या तो हम तुझे तगड़ा कर देंगे मेंटली या तो भाग जाएगा तो आइदर वे में वो तगड़ा हो जाता था अब कुछ लड़के थे बहुत सेंसिटिव ये इतना सा जख्म देख ले इतना सा ये अब्दुल रजाक अब्दुल रजाक आधा आधे इंच का सिक्स नंबर बैटिंग के लिए मैं क्या रिलैक्स करो बेबी रिलैक्स करो कुछ नहीं होता रजाक पर तगड़ा होगा और फिर रजाक जो कूटता था दुनिया को यार क्या बात है लाडो थी वो लाडो 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 जनाब ये तो अच्छी बात है ना कि मेरे को कभी कभी लगता है कई टीमों का माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाता है जो एक दूसरे से डिप्लोमेसी में रहते हैं तो अंदर जो बात है वो बाहर नहीं आ रही और अंदर खोट है हाँ इससे अच्छा तो वो बंदा है जो बोले ओए चुई हुई चलो टे मेरे ख्याल में मोस्टली लड़के जितना मिले बहुत अच्छे लोग थे बस शायद पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे हम लोग और प्रॉबली वी डिडंट हैव दैट That substance called selflessness. Yeah. That we didn't have it in us. We probably didn't become a great leaders. Yeah. And I wish I would have had a leader. So, aaj farak chori hoti. But the same goes with my country at the same time. Allah kare, Pakistan is a thriving land. In this usual job, tum khao, piyo, log mazak karne wale dil ke acche, utha utha ke firte hain yaar.
तुम कह दो ना खाली मैं इंडियन हूँ और आया मेरे पास पैसे नहीं, खुदा की कसम कोई एक पाकिस्तानी पैसा ले गया तो मेरा नाम चेंज कर देना है। नहीं ये तो सही बात है, आम बंदे से ट्राई कर ली, आम साइकिल वाले ट्राई कर लो, खैर पेशावर जाएगा तो वो तो नेक्स्ट ही लेवल है ना। वो झोंपड़ी में घुस जाए ना, उन्होंने कहा मैंने खाना नहीं खाया, वो तो अपना घर किराए पर देगा ना तो बकरा लेके आएगा तेरे लिए तो रोटी का। तो अल्लाह अल्लाह ने उस कौम को दिया बहुत कुछ है, लेकिन बस इंसानियत अच्छे से भर कर दिया, बट वही है कि आपके साथ फंसे रहे, आप हमारे साथ फंसे रहे, कोल्ड वॉर फंसे रहे, किधर फंसे रहे, किचन में टाइम ही नहीं मिला। अब मुझे लगता है हीरा आ रहा है, इंडिया बड़ा भाई बने, छोटा भाई पाकिस्तान बने, चाइना से ट्रेड शुरू हो, आपसे ट्रेड शुरू, और हम मिलके वर्ल्ड ऑर्डर लिखे हैं यार, मैं तंग पड़ गया हूँ यार। यू जस्ट डिड समथिंग, मुझे कुछ याद आ गया उससे। कल लेट्स वॉक इट से चले। मार खाया गया ये। ये अभी वायरल करेगा ना, देख क्या होता है। Well, if you like that episode, then please press subscribe so you can find out what else is on our menu and you don't miss anything fresh coming out from our kitchen, steaming hot. If you didn't like the video, then I've got more. Watch these and then subscribe. But don't subscribe till you're not 100% satisfied, because satisfaction is paramount. Oh my God. And it is my money back guarantee that you will be satisfied. But for that, I have to take some money from you first, no? Oh. You have to ask for money? No. Sorry, it's free. Sorry. So, Shoaib Akhtar ki ye side hum log ne nahi dekhi thi. हमने भी ये सुना था कि ये बातें जब करते हैं तो ऐसा लगता है वो बड़ी बड़ी बातें हैं और इस टाइप से। खैर मुझे ये लगा कि यार वो उनकी बातें केवल लगती हैं ऐसी, मतलब उनका बोलने का तरीका बचपना वाला है कि जैसे बच्चे बातें नहीं करते एकदम ऐसे हाथ हाथ फैला करके कि अबे तुमने सुना था वो ऐसा हुआ करके, इतनी गहरी गहरी बातें करके चले। ऐसा नहीं कि मुझे ये साइड उनकी पता नहीं थी, क्योंकि अक्सर मेरा ये होता था कि ना कि छोटे में जब खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, तो याद जरूर आती है। और ये तो इस समय कभी भी इंडिया का कोई मैच चल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत बार कमेंट्री के लिए बहुत बार आ जाते हैं ये, तो मैं हमेशा इनकी कमेंट्री सुना करता था, तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग सेटअप था कि ये ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान से तुम कुछ गलत सोच रहे हैं या इसलिए मैं सुनने बैठ रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इनके लिए बहुत पहले से रिस्पेक्ट थी, और उससे ज्यादा मुझे तभी अच्छे लगते हैं जब ये बॉल फेंक रहे होते तो पसीना एकदम गीला सामने और वो बॉल सहवाग को लग रही है, क्या सीन होता था यार, गजब जैसा लगता था, जैसे मौत आ रही है सामने से, क्योंकि भागने का तरीका भी बहुत ऐसा था कि यार भाई तू शिकार है, मतलब जो सामने बैट्समैन होता था ना वो ऐसा शिकार बन के ही खड़ा होता था, एकदम सहमा बल्ले पकड़े हुए और वगैरह दौड़ते लगा ना। क्या था यार, कैमरा बंद हो गया था हमारा 20 मिनट के बाद, बात ये थी तो, और हम काफी कुछ बोल गए थे, ये भी हो गया था, बीच में याद दिलाया गया कि कैमरा बंद हो चुका है, तो अप्रोक्स 4 मिनट की बातें करनी पड़ेंगी। बताओ नहीं कहाँ पे, रिलैक्स करो बेबी। तो इंसानियत की बात कर रहे थे हम लोग की, उन्हें कुछ नहीं पता किसकी बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं फिर से करने वाला हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें, याद दिला रहा हूँ कि इंसानियत की बात कर रहे थे। तो भाई जैसे वो गन्ने वाला जो उन्होंने इंसिडेंट बताया कि जैसे वो पीते थे उसको बता बता के, तो वो आदमी शुरुआत में समझता था, लेकिन उस गन्ने वाले का भी क्या कहते हैं सोचो ना कि उसने भी देखा होगा कि वो सही में उसने देखा होगा कि यार बंदे के अंदर आग तो है करने की, तभी उसने दिया, वरना क्या कहते हैं उसको भी एक उसके अंदर भी इंसानियत थी ऑब्वियसली कि वो ट्रस्ट कर रहा है उसको, करने वाला होता है बेचारा वो है, वो एज अपना बिजनेस भी ले रहा होता है, उसके बाद उसे लगा कि नहीं ये बंदा कर सकता है, इतना बोल रहा है और भी सोचना स्टार्ट किया कि अब इसके लिए हेल्प करनी चाहिए, ऐसा होता उसने भी क्या कहते हैं बिना कुछ सोचे ही किया, क्योंकि उस क्योंकि वो नहीं रहा जब ये बना, जब ये बना तो, लेकिन फिर इन्होंने भी फिर अपना वो एक फर्ज अदा किया उसकी फैमिली को, क्या कहते हैं वो शॉप खोली, पूरा वो किया शॉप खोली है, मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन बोला था कि मैंने उनको अपने अंडर लिया, अपने अंडर लिया और शॉप खोली, ऐसा कुछ बोला पता नहीं जानी थी, तो ऐसा था। और मैं ये बोल रहा था कि जितने भी स्टार्स होते हैं हर लोग मतलब उनको पागल नहीं बनते हैं तो लोग उन्हें पागल ही समझते हैं, और जब एक टाइम ऐसा तो ऐसे लोग उनके सामने तमाचा होते हैं कि इनको जो लोग जानते होंगे वो भी बचपन में कहते हैं यार हम लोग तो पागल समझते थे, आज देखो क्या बन गया, आज भी जब सामने से निकलते होंगे तो इनको खराब नहीं लगता होगा, या फिर एज एनी कोई कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं आती, अरे बोला था ना कि मेरे अंदर कोई वैसा खट्टा वो गुस्सा नहीं है, बिटर ट्रुथ नहीं है मेरे अंदर ऐसा कि मुझे कड़वाहट बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग भाई ऐसा समझते कि मैं तो उन्होंने बोला था कि मैं कुछ बन के माफ करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि बनने के बाद मैं देख लूंगा, मैं बन के माफ करूंगा, वो यही मैं सोच रहा था कि इन्होंने मजाक मजाक में मतलब कितने आराम से बातें कर रहे थे और उसमें कितनी डीप बातें कर रहे थे,
और अक्सर गौरव को देखा है ना कि वो थोड़ा मजे में रहते हैं, हाँ, लेकिन कि वो लाइट रहे, सेंसिटिव होके वो बातें सुन रहे थे, क्योंकि ये बातें उन्होंने बोला ना कि इतना सुनी हुई नहीं थी, कोई भी शोएब अख्तर के बारे में इतना नहीं जानता होगा, मतलब हम लोग में से आप लोग जानते हो, नॉर्मल ऑडियंस में से नॉर्मल आप लोग ने तो और ज्यादा इंटरव्यूज देखे होंगे इनके, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। मैं तो पहली बार इतना सुन रहा हूं, लेकिन हां मेरे लिए इनके अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, इनके लिए इनकी पूरी इंडिया रिस्पेक्ट करता है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो बात क्या होती है ना, रिस्पेक्ट उसकी की जाती है जो असली स्पोर्ट्समैन होता है। जैसे पाकिस्तान में सचिन की रिस्पेक्ट की जाती है, पाकिस्तान में राहुल द्रविड़ की रिस्पेक्ट की जाती है, वो सारी धोनी की रिस्पेक्ट की जाती है, विराट कोहली की भी रिस्पेक्ट की जाती है, वो सब दिखता है, क्योंकि आपको, क्योंकि आदमी जब कोई काम कर रहा होता है और अच्छे से कर रहा होता है ना, तो लोग कदर करते हैं। और अभी तक का इनका रिकॉर्ड है यार, इनसे तेज बॉलिंग नहीं कराई, शायद शॉन्टेड ने कराई है, मुझे नहीं पता, शॉन्टेड ने कराई शायद, बट हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इनका एक खौफ था शोएब अख्तर का, मतलब अगर ये होता था कि इंडिया के पास बैटिंग में सचिन है, द्रविड़ है, लक्ष्मण है, तो उधर होता था कि हमारे पास शोएब है, मतलब और बॉलर्स की कमी नहीं थी इन लोगों के पास, वैसे भी वसीम अकरम, शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी और समी बोलते थे, अब्दुल रजाक उस समय बैटिंग ऑलराउंडर थे, शोएब मलिक तो आज भी है, अब्दुल रजाक, यूनिस खान यूसुफ हम लोगों ने देखा है, हाँ, यूसुफ अहमद, उनके विकेट कीपर कामरान अकमल और उमर इमामुल हक, उमर गुल, यासिर अमीर मुझे याद है, उनका ओपनिंग आते थे और उनका बैट काफी रेट था, इंजमामुल्लक का रन आउट देखना, मुझे बहुत रन आउट इंजमाम था कि उन्होंने स्टंप पे हिट किया था पहले बार बैट, वो शॉट हुक शॉट खेल रहे थे, अच्छा हिट विकेट हो गया और हिट विकेट हो गया, तो पहला हिट विकेट, मतलब अभी तक हम लोग घर पे देख रहे हैं, भाई हिट विकेट हो गया पहली बार, जो सबसे प्यारे प्लेयर जो लगते थे वो था यूनिस खान, वो बंदा आउट नहीं होता था, ओपनिंग आते थे आउट नहीं होते थे, लेकिन वो सबसे शांत, मतलब मैंने कभी कभी उनको कभी एग्रेसिव होते देखा ही नहीं, पता नहीं इतना याद नहीं है, इतना याद नहीं है, फर्स्ट विकेट पे आते थे यूनिस खान, अच्छा, और वो आते तो विराट कोहली वाला काम था भाई, एकदम टिक टिक खेल रहे उन्हें, और दिल की धड़कने बढ़ा देनी थी, अरे यार मतलब ये होता था कि यार जल्दी आउट करो वरना अगर ये टिक गए तो फिर नैया डूब जाएगी, ऐसा होता था यार शोएब, मतलब यार वो पता है एक इंडियन टीम से तो यादें जुड़ी थी, एक पाकिस्तान टीम से भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी, अब पता है मैं अभी उतना नहीं हूँ उतना उतना इंटरेस्ट नहीं आता है खेलने में, आज भी वो टीम याद है, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ मुझे मजा ही नहीं आता, मतलब कौन नैने लौंडे बोल रहे कि समय रिकॉर्ड टूट गया इनका कोई और है, लेकिन मुझसे आज भी वो पूछा जाए ना तो मैं शोएब अख्तर टिक लगा के आऊंगा यार, उस समय इंडिया पाकिस्तान में जो लेजेंड्स भरे हुए थे अब है ऐसी बात नहीं, आपकी जो एक तरफ इंडिया में बैटिंग में गॉड्स भरे हुए थे उधर और पाकिस्तान में बॉलिंग में गॉड्स भरे हुए थे, मतलब लेजेंड्स की टीम थी दोनों, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना तो लगता था कि वो यहाँ पे क्रिकेट टीम नहीं जीत रही होती थी, वहाँ पे बैट्समैन जीत रहा होता था, वहाँ बॉलर जीत रहा होता था, मतलब ये होता था, और ये बात सही, हम लोग कह रहे थे भाई इनको कंपाइल करो और ऑडियंस को मजा आती थी और तब लगता था कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आजकल क्या है कि एक दिन वो जीत गए एक दिन वो जीत गए, मतलब वो कोई भरोसा ही नहीं है उसका, पब्लिक के अंदर आज भी वो जोश है लेकिन वो ऐसा, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा, रिस्पेक्ट भी है लेकिन बस वो मजा नहीं रहा जो पहले होती थी, जो बचपना हम लोग को याद आता है, मतलब कि बचपन में खेलते थे, कौन खेल रहा है, शाहिद अफरीदी खेल रहा है, एक बार कानपुर में ही तो खेला था शाहिद अफरीदी ने, 15 छक्के मारे, बॉल भी ऐसा था कि वो ग्रीन पार्क के बाहर गिरी थी जाके किसी उसमें पानी में, तो उसका भी रिकॉर्ड लोग आज भी ये बात बताते हैं कि उनका एक शॉट था पाकिस्तान, तो यहाँ कानपुर में तो बहुत हारती थी इंडिया, लेकिन वो जो पाकिस्तान ने हराया था वो बहुत गजब था, सलमान बट खेलने आया था, उसका पहला मैच था, पहले ही मैच में उसने सेंचुरी मारी थी, वो भी बहुत गजब था, पूरी मेमोरेबल टीम, वो बहुत बुरा हारे थे इंडिया वाले, ऐसे बहुत सारे मैच होते हैं लेकिन मजा बहुत आती थी यार वो मैच देखने, लेकिन मैं बता रहा हूं वो बात अलग है, इंडिया हारती थी बुरा लगता था कुछ भी करता हूं, लेकिन आज जब याद करता हूं ना वो चीज तो बुरा नहीं लगता, तो लगता है कि यार वो भी हम लोग ने जमाने में अपने मैच देखे थे, वो कुछ मैच हुआ करते थे कि धड़कने हाथ में होती थी, क्योंकि तुम कुछ नहीं कह सकते थे कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों टीमें एकदम टक्कर की होती थी, इस समय यहाँ प्रेजेंट में तो मैं नहीं हूँ, मैं आज भी वो चीजें अभी मैचेस वो याद कर रहा हूँ, शोएब अख्तर की बॉलिंग, वो पागलपन जो दिखाई देता था, और कहीं हल्की सी भी तकरार होती थी ना तब और मजा आता था, ये भिड़ गए अब वो कोई गुस्से में छक्का मार रहा है, कोई गुस्से में विकेट ले रहा है, मतलब वो अलग ही दिखता था, वो जोश दिखता था दोनों टीमें जब खेलती थी, तो वही तो देखने मजा आता, आज भी वो जोश है, जोश है, क्या कहते हैं, मजा आती है मैच देखने में, अभी एशिया कप हुआ था उसके बाद उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जब अपने जाने पहचाने प्लेयर नहीं दिखता ना तो थोड़ा लगता है यार, क्योंकि अब बस शोएब मलिक को ही पहचानते हैं हम लोग, एक और और कोई टीम में चल नहीं पा रहा था भाई जीजा जी तो
चलिए हम लोग का रिएक्शन यही तक था। थैंक यू, याद दिला दीजिए, पीस आउट। सही में मजा आ गया देखते।